भंडारा खाने बैठे हुए हैं। और भाई साहब आज जो कड़क गर्मी है ना, जवाब नहीं, पूरा आदमी जल जाए। देखिए मैं बर्गर खा रहा था, मनीषा यहाँ आके बैठ रही है। एवरीवन नमस्कार, केम छो, कैसे हैं आप सभी, वनकम, बहुत सारा स्वागत है आप सभी का एक बार हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज में। मैं हूं मिस्टर राज और इन्हें आप पहचानते होंगे, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे सिंगर साहब संगम, और इसको इसको पहचानने की जरूरत नहीं है। और ये रॉबिन भी है हमारे, और यहाँ हम भी मैगी ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर अभी इस जगह को आप नहीं पहचान होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूनिवर्सिटी का एक एरिया है पार्क वाला, यहाँ पर हमने खूब सारे मैगियाँ तोड़ी हैं, खूब सारे फ्रैपे, खूब सारे कोल्ड कॉफ़ी। तो जो लोग एमएम से होंगे वो लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किनका किनका ये फेवरेट जगह था। अभी मनीषा वेट कर रही है तो उसके लिए भी मैं एक मैगी लेके जाऊंगा। चलिए मिलते हैं बाद में, लेट्स गो। और भाई साहब आज जो कड़क गर्मी है ना, जवाब नहीं, पूरा आदमी जल जाए। अभी गाइस खाना पीना खा चुके हैं और उसके बाद से यहाँ आप लोग देख सकते हैं चीज़ें सब उथल पुथल पड़ी हुई है, एंड शी इज़ गेटिंग रेडी, क्योंकि अभी हमें मार्केट जाना है। क्यों मार्केट जाना है ये बताएगी, नहीं बताएगी? अरे 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 हाँ, जय माता दी, टाइमिंग देख रहे हो आप लोग, बताओ ना क्यों जाना है? इनको आईब्रो बनवाना है, कह रही कल एनिवर्सरी है, मतलब ये तो आप आज देख रहे हैं, आज ही एनिवर्सरी है, और ये पहली रात की कहानी है, मतलब आज एक तारीख हो रहा है, आप दो को देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए आँख भी कैसे करती है। अभी आप लोगों को हम ना अपना पूरा घर भी दिखाएंगे सजाने के बाद, अभी थोड़ा सा यहाँ डेकोरेट करना है, फिर आप लोग भी बताइएगा हमारा डेकोरेशन कैसा हुआ। एनिवर्सरी का लगभग हम लोग 3-4 ब्लॉग डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी सरप्राइजेस हैं आपके लिए भी, इसलिए मैंने अब ज़्यादा एक बार में डालूंगा तो लॉन्ग हो जाएगा ना, इसलिए मैं अलग अलग कर करके आपके लिए डालूंगा। और बने रहिएगा वीडियो को एंड तक, ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मनीषा की भैया और मनीषा की छोटी बहन भी आने वाले हैं इसी ब्लॉग में, थोड़ी देर बाद वो लोग भी मिलेंगे, फिर आपको कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वापस एक बार फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं यूनिवर्सिटी एमरजेंसी के पास, और ये ग्लैमर में जाएगी अभी ना काम करवाने, मिट्टू भी आया है, कुछ कुछ काम है हमें, और मैं आज खाऊंगा रेड वेलवेट का आइसक्रीम। कह रही मैं आईब्रो बनवा के आई हूँ, इसके आईब्रो को कोई देख के कह नहीं सकता कि बनवाई भी है, क्या बनवाई है भाई, पहले भी ऐसा ही था। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा सा था वही। लॉरियल में वो भी गई थी, ग्लैमर में बोल रहा था। खैर एनीवेज गाइस, अभी यहाँ से मैं थोड़ा एक बर्गर खाऊंगा। बनाते हैं, वैसे नहीं बनाता कोई यार। ये देखिए ये छोटा सा डॉग कितना क्यूट है। मनीषा को सूंघ रहा है, काटेगा नहीं ना। अच्छा देखिए मैं बर्गर खा रहा था, मनीषा यहाँ आके बैठ रही है, देख सकते हैं। और इनके दांत का आज ऑपरेशन हुआ है, कुछ खा ही नहीं पाएंगे, बढ़िया है। तो गाइस जिंदगी में पहली बार आईब्रो बनवा के कैसा लग रहा है? अच्छा ही नहीं बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, जो है ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स। ये प्रोडक्ट मैं आजकल अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रही हूँ, और सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की ये है कि ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन और बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब जैसे सत्वरी, गुरुचि, ग्रीन टी है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन सिर्फ लड़कों के लिए ही होता है, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये लड़कियों के लिए है, और ये लड़कियों के लिए काफ़ी स्पेशल प्रोटीन है। और गाइस इस प्रोटीन के बारे में खास बात मैं ये बताऊं, क्योंकि मैं अक्सर सोचता था ना कि प्रोटीन शेक वगैरह सिर्फ मेरे लिए भी होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वेमेन के लिए था, साथ ही साथ इस प्रोटीन के ये दिस प्रोटीन इज फॉर बेटर बॉडी टोनिंग, मेटाबॉलिज्म, स्किन एंड हेयर, यानी कि स्किन और हेयर के लिए अच्छा। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इस प्रोटीन से आपको बहुत सारी एनर्जीज भी आती है, आप अगर डेली एक वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो प्रोटीन इज मस्ट। आप इसको कैसे कंज्यूम करना है, क्या कुछ करना है, मैं भी आपको बताता हूँ। आप इसको नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। दिस इज सिंस ये मैंने मनीषा के लिए मंगाया है, दिस इज फॉर वुमेन, और ये वुमेन के लिए इकलौता ही है, मैंने ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है। इसके इसको कैसे लेना है मैं आप चाहूँगा कि आप यहाँ पर देखें एक बार, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है एक स्पून इसका प्रोटीन को आप ऐड करेंगे मिल्क में या फिर वाटर में, 200 ml में वाटर में, और इसको शेक करेंगे। शेक करने के लिए खास बात आपको ये है ना कि ये ओजीवा का एक स्पेशल इसके साथ शेकर भी है, और बहुत ही प्यारा है ये, तो मुझे सबसे अच्छा लगा मेरे को बहुत अच्छा लगा।
और इसको हम और इसको शेक करने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें स्टेप 3 है, डायरेक्ट आप इसको ड्रिंक आउट कर सकते हैं। अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो आप इसको फुल स्पून ले सकते हैं, वरना आप इसको हाफ स्पून ले सकते हैं 200 ml में। सो है ना कितना सिंपल। और नीचे दिया हुआ मैंने लिंक है, आप लिंक में जाएं और अभी वहां से ऑर्डर करें। और विमेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ। तो देर किस बात की, आप भी जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से फटाफट परचेज कीजिए। मिलते हैं अब आपसे ब्लॉग में। लेट्स गो। एनिवर्सरी है और मिस्टर राज एकदम अपनी तैयारी में लगे हैं। मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाया, इन्हीं का ठीक है। इनका छोटा छोटा बाल है, जल्दी जल्दी। मैं बोला कि मनीषा जाके अपना आईब्रो बनवाइए, तो मैं भी कुछ कुछ करवाऊंगा, वरना पता लगेगी ये फेली स्मार्ट लग रही है। और मैं वैसे नहीं नहीं का मैं स्मार्ट लग रही हूं, पूरी कंपनी लग रही हूं। और गाइस आप सब देख सकते हैं मेरा आईब्रो बना है, लेकिन 1% भी नहीं लग रहा है कि मेरा आईब्रो बना भी हुआ है, क्योंकि मैं तो क्यूट के आई थी, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा था। उसके बाद से आप सब देख सकते हैं ये मिस्टर राज हमेशा अपना हेयर का डिजाइनिंग यहीं से करवाते हैं, और ये अपना वही वाला लुक लाएंगे जो आप लोग को अच्छा लगता है। तो आप जरूर बताइएगा, तो आपको कैसा लग रहा है, कल हमारा एनिवर्सरी है, कैसा फील हो रहा है? बस मन कर रहा है कि खूब मतलब मैं लाला लाला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वैसा वाला गाना गा के डांस करूं। अच्छा, कल हमारा एनिवर्सरी, कल ही के दिन। तो गाइस कल ही के दिन हम, कल ही वो दिन था जिस दिन मतलब भाई अब क्या बताएं हम, खुशी या गम, दो दिल एक जान हो गए। वाह वाह, ये देखिए कल के दिन गाइस वो दिन था जो दो दिल एक जान हुए थे। ये लड़का मेरी शादी में नहीं आता, इसे 3 दिन बाद मिला। हां, इसीलिए इस समय मुझे रहना पड़ा। अच्छा, हां, शादी का। तो आपको कैसा लगेगा? हमको तो बढ़िया ही लगेगा, मेरा भी काम हो गया इसी तरह। दांत का ऑपरेशन करवाया है। मतलब इनका नहीं, इनके तरफ कैमरा क्यों, तो इनका दांत का मत समझ लीजिएगा आप लोग, इनको भी नहीं पता था कि इनके दांत का कोई ऑपरेशन कर देगा। आज अचानक से गैस हो गया ऑपरेशन, पकड़ के लेजर का ऑपरेशन है, और लेजर से ऑपरेशन हुआ है। हाँ, लेजर का बोल रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी खाने में दिक्कत भी है, और ये तो पूरा खुश है, खुश तो होना ही चाहिए वैसे भी, क्योंकि एनिवर्सरी है। इतना महान काम किया है, इतना दिन के बाद हमारा एनिवर्सरी आ रहा है। क्या 1 साल हो गया हम लोग का, लेकिन पता भी नहीं चला, ये कोरोना तो घर में बैठा के रखा हुआ था। फिर हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ और हम लोग फिर आए यहाँ। ये मोबाइल का जो आप कवर देख रहे हैं ना, ये कवर ऐसा लगता है कवर है, ये कवर मैंने चूज किया था, और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कलर। चूज करवा दिया, बताओ आप। हाँ, तो इस कलर को इसलिए मैं चूज की थी ताकि मेरा भी काम आ जाएगा। क्या मतलब, ये फोन पे पहले से नजर। और ये गाइस, ये मेरे को एप्पल का फोन गिफ्ट करने वाले हैं हमारी एनिवर्सरी में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आप कमेंट एप्पल 11 है कि 12 है, भैया क्या दे रहे हैं, क्योंकि इनसे पूछना बहुत जरूरी है, मेरे को भी नहीं पता है कि मेरे क्या दिए हैं। जरूर बताइएगा। और ये बैठे हुए हैं अभी, इनको भी बहुत, ये जो ट्रेंडिंग में है ये मैं हूँ, ये हमारी गार्ड है, और यहाँ पर हमारी कार। हाँ, तो अच्छा लगता है।
मेरी कटिंग देखते देखते विट्टू बोला कि मैं भी कटिंग करा ही लेता हूँ, लेकिन ठंडे पानी की डर से नहीं करा रहा था, लेकिन फिर उसने करवा ही लिया। तो आप सब देख सकते हैं अमीन का हेयर वॉश होने जा रहा है बिल्कुल ऐसे। तो इसके बाद काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए हम लोग सैलून से वापस निकलने का टाइम हो गया था, क्योंकि रात को सेलिब्रेट भी करना था। और ये 28 फरवरी की रात यानी कि सॉरी 1 मार्च की रात थी, जिस जो मतलब हमारी एनिवर्सरी की पहली थी। और ये देखिए भंडारा खाने बैठे हुए हैं, यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ एनिवर्सरी हो रही है, ये भंडारा के लिए बैठे हैं और ये मनीषा है।